हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। हमने वर्ग चौथा जमा चारों में बच्चों को अलग अलग तरीके से किस तरह से तस्वीर को समझते हैं, तस्वीर को पढ़ते हैं, ये समझाया है। अक्षर जाने, गम्मत कोड़े, चित्र वर्णन, ये तमाम लेसन्स में हमने बच्चों को समझा दिया है कि किस तरह से तस्वीर देखकर उसका नाम बताया जाता है। अब जमा चारों का वर्ग चौथी सा हादड़ा ओढ़खा पाहु। ओढ़खा पाहु यानी पहचानिए कौन। इसमें हम यहाँ पर अब बच्चों को तस्वीर दिखाएंगे और उसका नाम पूछेंगे। नाम पूछने के बाद उसके जो हुर्फ तहजी है, उसके शब्द में जो अक्षर है, उसमें से जो अक्षर नहीं है, मिस हो गया है, बच्चों को वो समझना है और वहां पर लिखना है। कभी वो जो मिसिंग अक्षर है, जो गाड़िला अक्षर है, कभी पहले रहेगा, कभी आखिर में रहेगा, और हो सकता है कभी उसके बीच में रहेगा। तो बच्चों को बहरहाल वो पहचानना है कि अक्षर कहाँ पर है, कैसा है, और उन्हें लिखना भी है। तो इस तरह ओढ़खा पाहु में हम बच्चों की यहाँ पर लिखने में, पढ़ने में, बोलने में ज्यादा से ज्यादा जोर देंगे, तो उनकी जो यहाँ पर जबान की तरक्की है वो अच्छे से हो जाए मराठी जुबान में। साथ ही साथ हम बच्चों की मजमूई तरक्की का भी यहाँ पर ख्याल रखेंगे, जो कि NEP 2020 ने बहुत ज्यादा उस पर फोकस किया है, हम सबको भी जोर देने के लिए कहा है। तो हम जो ये सबक है बच्चों को खेल कूद में, हंसी मजाक में, खेल कूद में समझाएंगे। तो साथ ही साथ हम यहाँ पर कुछ ऐसी सरगर्मियां भी लेंगे कि बच्चे एक साथ ग्रुप में मिलकर काम करें, जिससे उनकी गटकारी की जो भावना है वो भी यहाँ पर अच्छे से बढ़ेगी। तो चलिए आइए शुरू करते हैं वर्ग चौथी सा हा धड़ा ओढ़खा पाहुया मेरे साथ। धन्यवाद।